कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के मद्देनजर जिले के नागरिकों से बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। इसके अलावा सामूहिक स्थानों में सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया। बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जो नियमों को ताक में रखकर बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध राजस्व एवं पालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक बार फिर चालानी कार्रवाई की। वहीं नियम तोड़ने वालों को उठक बैठक भी कराया गया। गौरतलब है कि आज की जो चालानी कार्रवाई की गई उसमें खास बात यह थी कि स्वास्थ्य विभाग के जीवनदीप समिति के रसीद से चालान काटे गए। बताया गया कि उक्त राशि को आमजनों के स्वास्थ्य और अस्पताल के उत्थान में खर्च किए जाएंगे। जिला मुख्यालय ने शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार होने के चलते लोगों की भारी भीड़ देखने मिली। प्रशासनिक अमला लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगातार जागरूक करते आ रही है। आज कुल 34 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें मास्क अनिवार्य रूप से पहनने को कहा गया। ज्ञात हो कि चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा COVID-19 के रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक बताया गया है। शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग किया जा सकता है अथवा होममेड 3 परतें वाली फेस कवर बनाया जा सकता है। होममेड मास्क फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गरियाबंद तहसीलदार राकेश साहू ने बताया, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। आज जो चालान काटे गए हैं वह जीवनदीप समिति के रसीद से काटे गए हैं। समिति के माध्यम से उक्त राशि का उपयोग कर अस्पताल के उत्थान के लिए किया जाएगा। कुल 34 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है जिसमें 3400 रुपये वसूले गए हैं। DNX TV के लिए गरियाबंद से राधे श्याम सोनवानी, रितेश यादव की रिपोर्ट। सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और सभी को मास्क लगाने का निर्देश प्राप्त है। जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किए हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। ये जो चालानी कार्रवाई आज की गई वो जीवनदीप समिति के चालान से रसीद काटा गया और इसकी राशि जो है वो जीवनदीप समिति में अस्पताल के उत्थान के लिए इसमें पैसा इसका उपयोग किया जाएगा। आज जो चालानी कार्रवाई हुई उसमें 34 लोगों से 3400 रुपये वसूला गया।